संख्या में युवा हैं जो अभी प्रधानमंत्री मोदी का क्या लग रहा है, आपने देखा प्रधानमंत्री को? हाँ, मैंने बिल्कुल लाइव देखा, बिल्कुल सबसे आगे मैंने मोदी जी को देखा। क्या लगा देख करके? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। इसका कोई असर पड़ेगा चुनाव पे? बिल्कुल, एक तरफा जीत होगी बीजेपी की। नहीं, हमें नहीं। आप बताइए, आपने प्रधानमंत्री को देखा अभी यहाँ पर, क्या लग रहा है आपको कि कितने सालों के बाद प्रधानमंत्री पहली बार यहाँ पर कोई रोड शो कर रहा है, देखने के बाद क्या लगता है? हमारी लाइफ में तो हमने पहली बार रोड शो देखा है मोदी जी का, प्रधानमंत्री का पहली बार ऐसा रोड शो आज तक ना कभी जयपुर इतिहास में हुआ और ना कभी होगा, कभी नहीं होगा। आप बताइए, आपने देखा, क्या लगा? अद्भुत छवि है जैसा। भैया आप बताइए, मतलब इतना अद्भुत उनको। विधानसभा क्षेत्र से हैं आप? मैं किशनपुर। तो ये प्रधानमंत्री का जो रोड शो हुआ है, कहा जा रहा है इससे बहुत सारे सीटों पर असर पड़ेगा वोट में, चुनाव में, क्या लगता है आपको? शत प्रतिशत इनके आने से यहाँ पे भाजपा का पूर्णतः माहौल है। वैसे भी किशनपुर से बीजेपी आनी थी, सीटें जीतेंगे, चार सीटें आती हैं इसमें, चार दीवारी की चार सीटें आती है और चारों सीटें जीतेंगे इस रोड शो के बाद। परकोटे में चार सीटें आती है। आप बताइए, आपने देखा, कैसा लगा आपको प्रधानमंत्री को देखा? बढ़िया लगा साहब, पहली बार ऐसा शो देखा है लाइफ में, आगे भी क्या पता होगा या नहीं होगा, बहुत बढ़िया लगा साहब। आप बताइए जरा, आप युवा हैं, आपने देखा, कैसा लगा प्रधानमंत्री को देख करके? बहुत बढ़िया लगा मोदी जी को देखते हुए, और हम तो यही चाहते हैं कि इस बार बीजेपी की सरकार राजस्थान के अंदर बने और रेगुलर बने। हम यही चाहेंगे हमारे जो बीजेपी की सरकार है रेगुलर बने। आप बच्चे लेकर के आए हुए हैं, आपने देखा, कैसा लगा बेटा? कैसा लगा देखा आपने प्रधानमंत्री? कैसा लगा आपको? अच्छा लगा ना? अच्छा लगा देखा? देखने आपने देखा? हाँ मैंने देखा। रोड शो के बाद क्या लगता है आपको? अच्छा, बहुत अच्छा लगा रोड शो देख के, और काफ़ी भीड़ भी अच्छे वो लग रहा है, और एक बहुत अच्छी व्यवस्था भी बहुत अच्छी लग रही है कि ऐसा लग रहा है ना कोई दंगा नहीं, कोई दंगा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बहुत अच्छा पूरी व्यवस्था एक साथ, बिल्कुल अच्छा। सब लोग मोदी जी आपने देखा, कैसा लगा? ये जनता का प्रेम है जो इतनी भीड़ आई है मोदी जी को देखने के लिए। आपने कैसे देखा? अच्छा लगा, बहुत पास से देखा, बहुत अच्छा। आपको क्या लगता है इस शो के बाद, रोड शो के बाद क्या माहौल लगता है आपको? मोदी इज द अल्टीमेट विनर, बीजेपी ही आएगी यहाँ पे। आपने देखा? बोलो, आप युवा हैं, आपने देखा मोदी को अभी जब प्रधानमंत्री का रोड शो हुआ है? बहुत ही अच्छा लगा आज, बहुत ही अच्छा लगा मोदी जी को देखकर। आपने देखा भाई साहब, आपने देखा? हाँ देखा। क्या लगा, क्या इसका क्या असर होगा? शानदार, मोदी अब की बार पे, मोदी अब की बार मोदी। आपको क्या लगता है? देखा ना, एकदम नजदीक से देखा, बहुत अच्छा लगा प्रधानमंत्री को देख, अच्छा लगा। आपने देखा भाई साहब? आपने? हाँ बिल्कुल, हमने मोदी जी को देखा, बहुत अच्छा लगा, और मैंने पहली बार इतना भव्य रोड शो देखा है, जो कि एक इतिहास में लो, आप हिंदुस्तान में लो, आप ऐसा रोड शो ना कभी हुआ है ना कभी होगा। इसका कोई असर पड़ेगा चुनाव पे? 100% ये असर 100% पड़ेगा, और बिल्कुल पड़ना चाहिए हिंदू। आपको क्या लगता है? मोदी ही आएंगे, रोड शो के बाद तय हो गया, मोदी आएंगे, मोदी। आप बताइए क्या लगता है? आपने तो पूरा विद्वत बीजेपी कार्यकर्ता भी होंगे, आपने प्रधानमंत्री को देखा, कैसा लगा आपको? बहुत बहुत अच्छा लगा, ऐसा प्रधानमंत्री बिरला ही हो सकता है, अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? ये तो एक अवतार है अपने देश के लिए, जो अपने हिंदुत्व को आगे बढ़ा रहे हैं, सनातन का इतना सम्मान कर रहे हैं, नहीं तो अब इससे पहले जो कांग्रेस थी उसका आइडिया ही नहीं था, सनातन का पावर हमको नहीं मालूम नहीं था। पहली बार रोड शो हुआ है इस परकोटे में प्रधानमंत्री का, इसका क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल स्थिति उलट हो गई है, जो इससे पहले रोड शो से पहले चार दीवारी का जो माहौल था, माहौल आज से बिल्कुल बदल गया है। आप बताइए भाई साहब, आपने देखा प्रधानमंत्री जी को? बिल्कुल देखा भाई साहब, और जो आक्रोश है जनता का, तो ये मानो कि पूर्ण बहुमत से आएगी पार्टी। आपने देखा, आप भी आई थी, आपने देखा प्रधानमंत्री को रोड शो में? यस, ही इज आवर रोल मॉडल लिटरली, इंडिया को जिस मुकाम पे वो लेकर आए ना, आज तक कोई नहीं लेकर आया, कोई प्राइम मिनिस्टर ना आया है ना आएगा। देखिए एक और है बुजुर्ग, हम दादी जरा अम्मा जी, आप बताइए आपने देखा, आपको कैसा लगा प्रधानमंत्री को देख के? ऐसा प्रधानमंत्री कभी ना आया ना आएगा। इसका कुछ असर भी पड़ेगा चुनाव पे? बिल्कुल पड़ेगा, बहुत तगड़ा पड़ेगा। अभी तो जो सीन बन रहा था उसके अलावा कुछ नया हो जाएगा? एक नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप बताइए, बिल्कुल फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। आप बताइए भाई साहब, आपने देखा? बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर हुए नहीं ना होगा हिंदुस्तान के लिए, बहुत घंटे, कितने घंटे आपने लगा दिए देखने? 3 घंटे से खड़े हम यहाँ, 3 घंटे से खड़े हुए हम। जयपुर में लोग अमूमन इतना इंतजार करते नहीं किसी का। नहीं नहीं नहीं, और ये जो है ना,
हाँ बिल्कुल, मंदिर के पट बंद होते हैं ना, मंदिर के पट बंद होते हैं तो हम 5 मिनट वेट नहीं करते, 5 बजे से खड़े हुए हैं, 5 बजे आपने देखा प्रधानमंत्री को। भाई साहब, युवा पीढ़ी से अगर आप सुनना चाहते हो ना तो सीधी बात है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और भारत में हम भगवा लहराएंगे। जय श्री राम। युवा है, आप इधर आ जाइए। आप क्या करते, 5 घंटे तक आप 5 घंटे तक इंतजार कर सकते हैं आप? मैं 5 घंटे 50 घंटे इंतजार कर सकता हूँ प्रधानमंत्री के लिए। आप भाई साहब बताइए, आप तो बड़े बिगड़ टोपी पे, आपने देखा प्रधानमंत्री को? देखा भाई देखा, ऐसा प्रधान दोबारा नहीं आएगा भारत हिंदुस्तान में। सब नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आप बताइए, हम बहुत अपना हम अपना बहुत सौभाग्य मानते कि हमने इस क्षण को अपनी आंखों में कैद किया। ये हमारे मेमोरी क्षण है, बहुत हमारे गर्व की बात है हमारे लिए कि हमने मोदी जी को स्वागत किया। आपने देखा? बिल्कुल। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत की है, प्रधानमंत्री का रोड शो जा चुका है और बहुत बड़ी भीड़ यहाँ पर थी। अमूमन राजस्थान की राजधानी जयपुर में इतना लोग किसी का इंतजार करते नहीं है, लेकिन आज यहाँ पर लगभग 3 घंटे तक लोगों ने इंतजार किया प्रधानमंत्री को देखने के बाद। का कहना है कि अब यहाँ पर चुनावी माहौल बदल जाएगा। ABP लाइव के लिए संतोष कुमार पांडे, जयपुर, किशनपोल।